हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रकार। विदलन के प्रकार में दो प्रकार में इसको बांटा जा सकता है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी ब्लास्टोमियर्स का भविष्य क्या होगा उसके आधार पर टाइप ऑफ क्लीवेज दो प्रकार का होगा, डिटर्मिनेंट टाइप एंड इनडिटर्मिनेंट टाइप। यानी पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, और दूसरा है टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी योग की मात्रा और योग के वितरण के आधार पर क्लीवेज का टाइप। ठीक है, योग की मात्रा और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लीवेज का जो टाइप है उसे मेजर हम दो भागों में बांट सकते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अगेन होलोब्लास्टिक यानी पूर्ण भंजी विदलन फिर दो प्रकार का हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल, यानी समान पूर्ण भंजी या असमान पूर्ण भंजी। और मीरोब्लास्टिक अगेन दो प्रकार का हो सकता है, डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी अगर टाइप्स ऑफ क्लीवेज का पूरा क्वेश्चन आता है तो हमें बताना है कि टाइप ऑफ क्लीवेज दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर के आधार पर कि आगे चल करके ब्लास्टोमियर्स का भविष्य क्या होगा इस आधार पर, और दूसरा क्या है, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर टाइप्स ऑफ क्लीवेज है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब निर्धारी, इनडिटर्मिनेट मतलब अनिर्धारी। निर्धारी मतलब क्या है, क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं उन ब्लास्टोमियर्स का भविष्य पहले से ही निर्धारित हो जाता है, यानी जब वो बने हैं और बनने के बाद उनका भविष्य पहले से ही क्या है, फिक्स हो गया, निर्धारित हो गया है कि इन ब्लास्टोमियर्स को भविष्य में चल करके कौन से विशेष अंग का निर्माण करना है। तो फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड, यानी इनका भविष्य पूर्व में निर्धारित है। ब्लास्टोमियर्स की पोजीशन एंड फ्यूचर, यानी कोरक खंड जो बन रहे हैं उनका स्थान और उनका भविष्य पहले ही निर्धारित हो जाता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, यदि विकसित हो रहे भ्रूण में से कोई ब्लास्टोमियर गलती से डैमेज हो जाए या हटा दिया जाए या टूट जाए, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप उस विशेष ब्लास्टोमियर से बनने वाला विशेष जो अंग है उस अंग का निर्माण उस भ्रूण में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर ब्लास्टोमियर का भविष्य निर्धारित हो चुका है। तो अगर कोई एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में अगर किसी एक ब्लास्टोमियर को हटा दें या हट जाए तो उस ब्लास्टोमियर से बनने वाला विशेष जो अंग है उस अंग का निर्माण नहीं होगा। इस कारण से इस तरह से जो ब्लास्टोमियर बन रहा है जिसमें डिटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज है तो उस ब्लास्टुला को कहते हैं मोजाइक टाइप ब्लास्टुला। मोजाइक आपको पता है क्या होता है, जैसे कोई बड़ी इमेज है और इमेज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बिखेर दिया, अब आपको कहा जाता है इसको जोड़े, है ना, जैसे बच्चों के गेम्स वगैरह आते हैं ना, कट कर दो और उसको जोड़ो, एक इमेज बननी चाहिए। अब उन टुकड़ों में से यदि कोई एक टुकड़ा मिस हो जाए, यदि कोई एक टुकड़ा मिस हो जाए तो वो इमेज पूरी नहीं बनेगी। तो वही चीज यहाँ लागू होती है, क्योंकि हर ब्लास्टोमियर का अपना भविष्य निर्धारित है, तो अगर एक ब्लास्टोमियर या दो ब्लास्टोमियर हट जाते हैं तो विशेष प्रकार का अंग उसमें डेवलप नहीं होगा, मिसिंग होगा वो, ठीक है। तो मोजाइक टाइप ऑफ ब्लास्टुला भी प्रश्न आ सकता है। अब हम लेते हैं कि इस प्रकार का डिटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज किसमें पाया जाता है, निमेटोड्स में, एनलिडा में, मॉलुस्का में और ट्यूनिकेट्स के अंदर डिटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। सेकेंड टाइप क्या है, इनडिटर्मिनेट, अनिर्धारी। अनिर्धारी नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो ब्लास्टोमियर्स है उनका भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता है। नॉट फिक्स्ड, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर नॉट फिक्स्ड, इट इज चेंजेबल, वो परिवर्तनशील है, ठीक है। तो इस कारण से यदि डेवलपिंग एम्ब्रियो है और उनमें से कोई एक या दो ब्लास्टोमियर हट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं या हटा दिए जाते हैं
तो भी पूरे के पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यानी सभी पार्ट उस एम्ब्रियो के बनेंगे। उस एक या दो ब्लास्टोमियर हटाने के कारण से उसके एम्ब्रियो के किसी अंग विशेष का जो है कमी होगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो साइज में सामान्य के बजाय थोड़ा सा छोटा हो, है ना। तो इस प्रकार में क्यों, उसका कारण क्या है? क्योंकि इनडिटर्मिनेट प्रकार का जो क्लीवेज हो रहा है उसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं वो ब्लास्टोमियर्स इक्विपोटेंट है, यानी उनमें इक्वल पोटेंशियल है। सभी ब्लास्टोमियर्स में इक्वली पोटेंशियल है वो कि आगे चलकर शरीर के किसी भी हिस्से का निर्माण कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है, सर्व क्षमता पाई जाती है। तो एक या दो ब्लास्टोमियर यदि हट जाए या हटा दिए जाए तो भी पूरे के पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो पूरा डेवलप होगा, उसमें किसी विशेष अंग की कमी होगी ऐसा नहीं होगा। हाँ, साइज में छोटा हो सकता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। और इस प्रकार का डेवलपमेंट किसमें पाया जाता है, क्लीवेज किसमें पाया जाता है? हायर कॉर्डेट में। अब अगर जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में भी 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक, कितनी अवस्था तक? 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक प्रत्येक ब्लास्टोमियर में इक्विपोटेंशियल है या टोटिपोटेंसी है, ठीक है। तो अगर एक 8 अवस्था बनी है तब तक एक या दो अगर ब्लास्टोमियर टूट जाए, अलग हो जाए, तो भी पूरे के पूरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। आप लोगों ने इसमें सुना होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी एक ही जाइगोट से अगर दो ट्विंस बन रहे हैं तो उसमें क्या है, एक ओवा है, इट इज फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म एंड वन जाइगोट इज फॉर्म्ड। वन जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट बनने के बाद में जो डिवीजन है वो क्या कहलाते हैं, क्लीवेज। तो फर्स्ट क्लीवेज के कारण दो जो ब्लास्टोमियर बने हैं, किसी कारण से ये दो ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाएं, किसी कारण से क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, और दोनों ब्लास्टोमियर में अब आगे की क्लीवेज की क्रिया कंटिन्यू चल रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जो किस प्रकार के हैं, मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक है इसीलिए इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप एक समान होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जुड़वा पिक्चर में देखा है ना, तो क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि एक ही जाइगोट है, उस जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज के कारण जो दो ब्लास्टोमियर बने हैं किसी कारण से वो ब्लास्टोमियर अलग-अलग हो गए और अब दोनों जो है इनमें फर्दर क्लीवेज होता जा रहा है और इनसे दो इंडिविजुअल बनेंगे। विच आर आइडेंटिकल, जीनोटाइप भी, और जीनोटाइप आइडेंटिकल है तो फिनोटाइप भी आइडेंटिकल होंगे। जैसे आप लोगों ने जुड़वा पिक्चर देखी है, सलमान खान वाली भी देखी होगी कुछ बच्चों ने, और कुछ ने जो है ये वरुण धवन की देखी होगी, या सीता गीता पिक्चर है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। तो ये है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के परिणाम स्वरूप। अब हम लेते हैं, ये तो हो गया भविष्य के आधार पर, ब्लास्टोमियर के भविष्य के आधार पर दो प्रकार का क्लीवेज, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट। अब हम लेते हैं अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर। होलोब्लास्टिक पूर्ण भंजी। पूर्ण भंजी मतलब जैसे मान लो ये जायगोट है और ये विदलन खांच है, तो ये पूरा इसको काटेगा, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जो विदलन खांच है ये पूरी बनेगी, है ना। तो इसको कहेंगे होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में भी दो हो गया, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल मतलब क्या है, जैसे यहां पर जो दो ब्लास्टोमियर बने हैं ये इक्वल हैं। अब अनइक्वल कैसे हो सकता है, जैसे यहां और यहां वर्टिकल जो है क्लीवेज फरो है, तो अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, है ना। तो हम यहां पर लेते हैं इक्वल किसमें होगा और अनइक्वल किसमें होगा क्लीवेज, इक्वल क्लीवेज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर अंडों के प्रकार हम ले लें माइक्रोलिशिथियल और आइसोलिशिथियल। माइक्रोलिशिथियल यानी अल्प पीतकी या अपीतकी भी हम कह सकते हैं, कम मात्रा में है। कम मात्रा में है तो वितरण भी क्या है, पूरा बराबर है। दूसरा एग का प्रकार क्या है, मीजोलिशिथियल एंड टीलोलिशिथियल। मीजो यानी मध्य पीतकी और टीलोलिशिथियल यानी पोल बन रहा है, एनिमल पोल की तरफ जो है योग नहीं है और वेजिटल पोल की तरफ योग है।
देन डिस्कॉइडल, यहां पर हम लेते हैं मैक्रोलिशिथियल एंड टीलोलिशिथियल, बहुपीतकी। बहुपीतकी में भी क्या है, पीतक बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो एक्टिव पोल छोटी सी दूरी पे है और ज्यादातर जगह पर क्या है, वेजिटल पोल है। देन सेंट्रोलिशिथियल यानी योग जो है वो सेंटर में बहुत बड़ी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो एक्टिव पोल है वो, या एक्टिव पोल है या एनिमल पोल है, वो थोड़ी सी दूरी में परिधि की तरफ है, जैसा कि इंसेक्ट्स में होता है। मैक्रोलिशिथियल और टीलोलिशिथियल अपने किस में पाए जाते हैं, एवीज, रेप्टाइल और मोनोड्रिम्स में, यानी पक्षी वर्ग में, सरीसृप में और अंडे देने वाले स्तनधारी, जैसे प्लेटाइपस है, इकिडिन्स है ना, ऑर्थिनोरिंकस है, इनमें। मीसोलिशिथियल और टीलोलिशिथियल किस में प्रकार में पाया जाता है, किस एनिमल में पाया जाता है, एम्फीबियंस में और फिशेस में। और इक्वल यानी माइक्रोलिशिथियल एंड आइसोलिशिथियल एग किस में पाया जाता है, माइक्रोलिशिथियल और आइसोलिशिथियल एग होता है एम्फियोक्सिस में एंड प्लासेंटल मैमल्स में, यानी वो स्तनधारी जिनके अंदर प्लासेंटा बनता है, ठीक है, जरायु स्तनधारियों में, क्योंकि उनके अंदर जो है जो भ्रूण का डेवलपमेंट है वो गर्भाशय में हो रहा है, और भोजन कहां से मिल रहा है, प्लासेंटा के द्वारा मिल रहा है, उसके अंदर भ्रूण को डेवलपमेंट होने के लिए योग की आवश्यकता नहीं है, उसको भोजन मिल रहा है प्लासेंटा से। तो हम इसके आधार पर, ये एग के टाइप के आधार पर ही ये आगे जो है क्लीवेज का टाइप है। होलोब्लास्टिक पूर्णभंजी दो प्रकार का, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल के कौन से प्रकार के अंडे में है, माइक्रोलिशिथियल एंड आइसोलिशिथियल अंडे में। माइक्रोलिशिथियल आइसोलिशिथियल अंडे किसमें होते हैं, एम्फियोक्सिस में एंड प्लासेंटल मैमल्स में। ये जायगोट है मान लो, फर्स्ट क्लीवेज दो ब्लास्टोमियर इक्वल साइज के बने, सेकंड क्लीवेज चार ब्लास्टोमियर बनेंगे इक्वल साइज के बनेंगे, थर्ड क्लीवेज चार से कितने बने, आठ बने, इक्वल साइज के बनेंगे, यानी सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल होलोब्लास्टिक। अनइक्वल होलोब्लास्टिक पूर्णभंजी है, लेकिन जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं वो अलग साइज के हैं। कुछ ब्लास्टोमियर जो एनिमल पोल की साइड में है, एनिमल पोल की साइड में है, जैसे हम ये लेते हैं मीसोलिशिथियल और टीलोलिशिथियल एग है, तो इसके अंदर ये एनिमल पोल है मान लो और ये वेजिटल पोल है, तो वेजिटल पोल में क्या है, योक है, और एनिमल पोल में क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो सक्रिय है, और इस वाले भाग से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो विदलन है ये यहाँ से अनइक्वल डिवाइड करेगा, इसको पूरा तो काट रहा है, उसको क्लीवेज फरो पूरी तो है, पर जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगी वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। इस कारण से आप यहाँ देखें दो तरह की सेल्स बनती हैं, ऊपर का जो वॉल है सेल्स का वो क्या है, छोटा है, और नीचे वेजिटल पोल की तरफ जो सेल्स बन रही है वो बड़ी है, क्योंकि वेजिटल पोल की तरफ योग होने के कारण वहां की जो कोशिकाएं हैं या ब्लास्टोमियर्स है वो साइज में बड़ी होंगी, और ऊपर की तरफ क्योंकि एनिमल पोल है योग की मात्रा कम है, वहां पर जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो छोटे बनेंगे। तो माइक्रोमियर्स जो छोटे हैं एनिमल पोल की तरफ है वो, और मैक्रोमियर्स जो साइज में बड़े हैं और वेजिटल पोल की तरफ से वो कहलाएंगे मैक्रोमियर्स। तो दो तरह के कोरखंड बनेंगे, स्मॉलर माइक्रोमियर्स जो एनिमल पोल की तरफ बनेंगे, लार्जर मैक्रोमियर्स जो वेजिटल पोल की तरफ बनेंगे, ठीक है। ये हो गया अनइक्वल। मीसोलिशिथियल और टीलोलिशिथियल अंडे किसमें पाए जाते हैं, फ्रॉग में और फिशेज में। अब हम लेते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इसको हम एक तरह से अपूर्णभंजी भी कह सकते हैं। तो हर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस हो ऐसा नहीं होगा, और इसे फिर दो भागों में बांटा जाता है, डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल कौन से प्रकार के अंडों में है, मैक्रो एंड टीलोलिशिथियल अंडे, बहुपीतकी अंडों में। बहुपीतकी अंडे इसमें पाए जाते हैं, एवीज, रेप्टाइल्स एंड मोनोट्रीम्स में, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें, इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो उसका ऊपर वाला भाग बताया है एक्टिव साइड वाला, तो यहाँ पर पूरा योग है और केवल इतना भाग है जो सक्रिय है, जिसमें सक्रिय कोशिका द्रव्य है, तो इस वाले भाग से पूरे के पूरे क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये वाला भाग डिस्क फॉर्म में है योग के ऊपर थोड़ी सी दूरी में, जैसे ये मान लो एग है और ये पूरा योग है, तो यहाँ पर योग के ऊपर थोड़ी सी दूर में एक्टिव
पोल है, एनिमल पोल है, और इसमें ही क्या है, सक्रिय कोशिका द्रव्य है। तो केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य में विघटन की प्रक्रिया होगी। तो इसके कारण से केवल इस वाले भाग में, सेकेंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज होकर के केवल इस भाग में एक डिस्क के फॉर्म में संरचना बनती है योग के ऊपर, और उस डिस्क ब्लास्टुला से या डिस्क ब्लास्टुला से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्कॉइड टाइप क्लीवेज। यानी इसमें जो क्लीवेज है वो केवल कहां पर हो रही है, योग के ऊपर की साइड में जो सक्रिय कोशिका द्रव्य है, और उस कोशिका द्रव्य में ही जो है विघटन की प्रक्रिया होगी और एक डिस्क के फॉर्म में ब्लास्टुला का निर्माण होगा। तो इसको कहेंगे डिस्कॉइडल। देन वी कम टू द सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज नाम से पता चल रहा है सतही, यानी सतह सतह पर क्लीवेज होगा। इस प्रकार का क्लीवेज होता है सेंट्रोलिशिथियल अंडों में। सेंट्रोलिशिथियल अंडे पाए जाते हैं इंसेक्ट में। इंसेक्ट में आप ये देखें, जैसे ये अंडा है तो सेंटर का जो भाग है, इस पूरे भाग में क्या है, योक है, और एक्टिव साइटोप्लाज्म कहां पर है, एक परिधि की तरफ। अब ये जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है, क्लीवेज पर्व केवल इस वाले भाग में होगी, और हर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। पहले क्या है, कैरियोकाइनेसिस ही होता रहेगा, जिसके कारण से ये जो सक्रिय वाला जो भाग है, इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर के परिधि की साइड में जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में व्यवस्थित हो जाएगा। अब जब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में वो परिधि में व्यवस्थित हो गया है, क्योंकि सेंटर में तो योक है, वहां तो पूरा विभाजन हो नहीं रहा है, उसके बाद में हर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएंगे ब्लास्टोमियर्स, जो कहां अरेंज है, परिधि की तरफ अरेंज है, केवल बाउंड्री की तरफ अरेंज है, क्योंकि सेंटर में क्या है, योक है। तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है वो कहलाता है सुपरफिशियल क्लीवेज, जो होता है सेंट्रोलिशिथियल अंडों में। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न आता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज कंप्लीट मत लिखना है, तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, दो प्रकार, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, गिविंग विद द एग्जांपल। एंड अगर उसी में सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, अगेन टू टाइप, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक, अगेन टू टाइप, इक्वल एंड अनइक्वल, एंड डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल। अब हम अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग है, तो इसको यहां से ले लें, माइक्रोलिशिथियल, मीजोलिशिथियल, मैक्रोलिशिथियल एंड सेंट्रोलिशिथियल, और इसे हम पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब कर देंगे। तो इस तरह से आपका कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है, अगर आप पूरा डायग्राम के साथ में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्लीवेज का सेकंड लास्ट टॉपिक मैं कहूंगी, क्योंकि अब इसमें रहता है थ्योरीज ऑफ क्लीवेज, बाकी मेजर पार्ट अपना कवर हो गया। पहली यूट्यूब है मेरी, वो क्या है, उसमें है स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ क्लीवेज एंड द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द क्लीवेज। सेकंड क्या है, प्लेन ऑफ क्लीवेज। थर्ड क्या है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। एंड फोर्थ है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। थैंक यू।